दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट कुर्ती कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और अभी इसको मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो इसमें ऊपर हमारा ब्लाउज रहेगा, नीचे पहले इसका कटेगी, उसके बाद दोनों को हम ज्वाइंट करके कुर्ती बनाएंगे। तो इसमें से मैं 1/2 मीटर कपड़ा कट कर लेती हूँ जो कि हम ब्लाउज के लिए यूज करेंगे, और जो 2 मीटर रहेगा उसका नीचे का पार्ट मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लाउज के लिए कट कर लिया है और बचा हुआ कपड़ा मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये सभी तरफ ओपन है, तो अभी मैं आपको इसकी अम्ब्रेला कट की कटिंग बताती हूँ। तो देखिए, एक कॉर्नर को इस तरह से पकड़े जो ये कॉर्नर है, और दूसरे कोने को इस तरह से फोल्ड कर दें। जब फोल्ड कर देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया, तो ये कॉर्नर इधर आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे तो हम कमर की कटिंग करेंगे और उसके बाद नीचे इसकी लंबाई। तो इसकी टोटल लंबाई है 40 इंच, तो जो 14 इंच का तो हमारा ब्लाउज कट हो जाएगा, और 26 इंच का हम इसमें स्कर्ट कट करेंगे, लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे जो कि हमारे यहाँ कमर में स्टिचिंग में जाएगी। और नीचे तो हम पीको करने वाले हैं तो उसमें तो ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं है, अगर आप इसको नीचे फोल्ड करने वाले हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको कमर का मेजरमेंट, तो कमर है इसका 34 इंच, तो उसके लिए हमको 8.5 इंच चाहिए, और 1/2 इंच हम इसको सिलाई मार्जिन ले लेते हैं, तो टोटल 9 इंच ले लेते हैं। तो 9 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। तो ये तो हमने इस तरह से 9 इंच में लगा लिया, लेकिन जो ये कोना है यहाँ पे खास कर ध्यान देना है, इस कोने से आपको जो हमने निशान लगाया वो कितना आ रहा है, तो ये 10.25 इंच के आसपास आ रहा है। तो सेम हमारा ये भी सेम आ रहा है, उसके बाद इस कोने का भी देखेंगे हम कितना है, तो इसका ज़्यादा है तो हमको भी यहाँ पर 10.25 इंच ही लेना है, नहीं तो क्या है क्रॉस में जाएगा वो। तो देखिए इस तरह से आपको सेम, तो हमेशा इस कोने से मेजरमेंट करें तीनों पॉइंटों के। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, तो लंबाई में 27 इंच ले लेते हैं। और सेम जो दूसरा हमारा पॉइंट है वहां पे भी इसी तरह ले लेते हैं। अब ये देखिए, एक मैंने 3 पॉइंट दिए, अब तीनों पॉइंटों को हम मैच कर देते हैं लाइन खींच के। तो इस ड्रॉ पे हम कट कर देते हैं। जैसे हमने नीचे गुलाई के साथ कट कर दिया, सेम अभी कमर भी कट कर लेते हैं उसी हिसाब से। देखिए नीचे के लिए मैंने कट कर दिया है, अब इसका ब्लाउज भी कट कर लेती हूँ, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है, अब इसको फोर फोल्डिंग करते हैं, दोनों पीस एक साथ काट लेते हैं। तो देखिए फोर फोल्डिंग कर दिया है मैंने। तो जो चेस्ट है वो 36 इंच है, और इसकी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, लेकिन मैं 15 इंच लूँगी, और इसमें थोड़ा सा पहले ज़्यादा ही ले लें आप, क्योंकि ये थ्रेड खींचने वाला है, तो पहले ज़्यादा ले लें, बाद में स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर सकते हैं। तो मैं जो लंबाई ले रही हूँ वो 15.5 इंच के आसपास ले रही हूँ, क्योंकि धागे धागे निकलेंगे तो हमारी लंबाई कम ना हो जाए, इसलिए। शोल्डर है 12 इंच, मुड्डे 6 इंच, अभी 36 साइज के लिए हमको 9 इंच चाहिए, और हमने देखिए 11.25 इंच के आसपास है, तो 2.25 इंच हमारा इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ है मार्जिन। नॉर्मल हम 2 इंच या 2.25 इतना ही लेते हैं, इतना मार्जिन हमारा है, और इसमें 1.5 इंच की हम इसमें गुलाई दे देते हैं। तो जो गुलाई दी है मैंने बैक साइड के हिसाब से दी है, ये फ्रंट के हिसाब से नहीं दी है। अभी मैं इसमें नेक का ड्रॉ कर देती हूँ, तो फ्रंट नेक है 6 इंच, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो कि मार्जिन रहेगा, तो 6.5 इंच ले लेते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच, क्योंकि ब्रॉड नहीं चाहिए शोल्डर से हमें,
आप चाहें तो नीचे इसको ब्रॉड कर सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसमें यू शेप दे रही हूँ। नेक तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी नेक हम कट नहीं करेंगे। अगर अभी कट करेंगे तो आगे पीछे दोनों के कट हो जाएंगे, लेकिन हम बैक साइड का बाद में कट करेंगे। तो अभी सिर्फ मुड्डे कट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको निकाल देते हैं। सेंटर से भी अलग कर देते हैं और अभी इन पीसों को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए ये तो बैक साइड का है और फ्रंट में हमने ये नेक ड्रॉ कर ही लिया है ऑलरेडी, अभी कट कर देते हैं। अब इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग भी दे देते हैं, तो ये ऊपर से छोड़ दें थोड़ा सा, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन मिल जाएगा। तो देखिए ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं नीचे इसमें प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। ये इसमें सेंटर लाइन खींच लें नेक का, और सेंटर से 3.5 इंच पे निशान लगा लें। और जो प्लेट डालेंगे वो 4 इंच लंबी प्लेट होगी, तैयार में 3.5 इंच लंबी आएगी। सेम दूसरी साइड में भी इसी तरह से। अगर आप लाइनिंग वाला बनाना चाहते हैं तो सेम ड्राफ्ट लग के लाइनिंग बना रहे हैं, विदाउट लाइनिंग बना रही हूँ। तो जो प्लेट के पॉइंट है, यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे तो प्लेटें इस तरह से आएंगी। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे यहाँ पे एकदम, कि ना जैसे कि हम ब्लाउज में डालते हैं सेम उसी तरह से। इसी तरह मैं दो पीछे के पीस में भी निशान लगा लूँगी। अभी हम बैक पीस नेक कट करते हैं। तो शोल्डर से सेम 2.5 इंच ही लेना है। अब बैक साइड में ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ, आप चाहें तो डीप रख सकते हैं। मैं इसको 5 इंची डीप रखूँगी और लेकिन 5.5 इंच ले रही हूँ, जो कि 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये बैक साइड में मैं स्क्वायर नेक डाल रही हूँ, आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। सेम प्लेट डाल दूंगी इसमें भी। तो जो ये ड्राफ्ट निकले हैं ये हमारा फ्रंट का है, ये बैक का है। सेम ड्राफ्ट के मैं पट्टी कट करूंगी। तो नेक पट्टी कट करने के लिए जैसे ही बचा हुआ टुकड़ा था तो इसमें मैं नेक कट ड्राफ्ट रख लिया है फ्रंट का, और सेम डॉट पे इसको कट कर लेती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच लेंगे, और जो कैनवास की चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच लेंगे। और भी सेम बैक कर लेंगे। तो जो कैनवास में 1 इंच चौड़ा कट करूंगी सेम ड्राफ्ट रख के। अभी हम स्लीव की कटिंग करते हैं। देखिए ये बचा हुआ टुकड़ा है, इसमें से मैं भी स्लीव कट करूंगी। जो हमने स्कर्ट कट की थी ना, इसका नीचे का बचा हुआ टुकड़ा है, उसमें से स्लीव कट कर लेते हैं। तो मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया दोनों स्लीवों के लिए। तो स्लीव की लंबाई है 6 इंच, और 1 इंच हम नीचे ज़्यादा ले लेंगे जो कि फोल्ड करेंगे, तो 7 इंच ले लें। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि किनारी आ रही है, यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी। अब ये हमको विथ मार्जिन 10 इंच ले रहे हैं, या तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, जो कि हमको नीचे गुलाई देने में इजी रहेगी। तो ये हमारी स्लीव की लंबाई है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच नीचे से गुलाई देते हैं। ये गुलाई फ्रंट और बैक दोनों के हिसाब से है, लेकिन जब ये गुलाई कट करने के बाद फिर फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसमें 1/2 इंच, जैसे कि हमने ब्लाउज में किया है।
ऊपर सेंटर पॉइंट है। अभी एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें या तो इस तरह से दोनों सीधे पीसा में सेंटर में और आगे पीछे उल्टे आए, या फिर दोनों उल्टे आए, जिससे क्या है आपकी स्लिप दोनों साइड की बराबर से कट जाएंगे। अगर आपने एक उल्टा एक सीधा रख लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें हाफ इंच की गुलाई दे देते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम इसको हल्का सा देते हैं और यहाँ पे आके हाफ इंच कर देते हैं। और जो हमारा ये मार्जिन है ये छोड़ दें आप, जैसे 2 इंच मार्जिन लेते हैं और छोड़ दें। तो देखिए इस तरह से, अभी आपको खोल के दिखाते हैं, तो इस तरह से क्या है आपकी दोनों स्लीव सही तरीके से आगे के पीस आएंगे जो एक्स्ट्रा कटिंग करिए। तो देखिए इसका भी ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, दोनों हमारे पीस आगे की तरफ आ रहे हैं। अभी मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। तो अब कैनवास कट कर लें, तो कैनवास को और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर दें पूरे राउंड में, तो दोनों पट्टियों को आगे पीछे इसी तरह तैयार कर लें। तो जब आपका ये पीस अटैच हो जाएगा कैनवास के साथ, तो जो अपना जो नेक का शेप है सेम शेप में आप इसको इस तरह से रख दें, ब्लाउज को सीधा रखें, इसके ऊपर उल्टा इस तरह से रख दें और पूरा नेक में स्टिच डाल दें। स्टिच डालने के बाद इसको अंदर की तरफ आप इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। किनारे पर स्टिचिंग डाल दें और अंदर की तरफ तुरपाई कर दें। उसके बाद जो हमने ये प्लेट के पॉइंट दिए हैं सेम प्लेट डाल दें, आगे पीछे दोनों नेक तैयार कर लें, दोनों साइड में प्लेट डाल दें। उसके बाद आप ये स्लीव जो हमने कट की है इसको नीचे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जो राइट साइड का राइट साइड में अटैच करें और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, ये कटा हुआ आप देख लें किस तरफ आ रहा है। जब आपका दोनों पीस तैयार हो जाए, ये तैयार हो जाए, उसके बाद आप पूरा हैंड से लेके कमर तक इसकी फिटिंग दे दें अपने साइज के अनुसार। जब आपका फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको स्कर्ट को साइड से स्टिच कर लें, जैसे कि ये ओपन है तो साइड से स्टिच कर लें, नीचे पीको कर लें। आपका पीको और सभी हो जाने के बाद जब आपकी स्कर्ट तैयार हो जाए तो आप इसको यहाँ पर राउंड में स्टिच कर दें। देखिए जब आपका कुर्ती स्टिच हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर फिटिंग आएगी आपकी और नीचे पूरा घेरा जाएगा। और आपको अगर सिलने में तकलीफ हो रही है तो ये अम्ब्रेला कट कुर्ती कैसे सिलते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।